गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में विटामिंस और मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया था। विटामिंस और मिनरल्स का हमारी बॉडी में क्या उपयोग है और क्यों ज़रूरी है विटामिंस और मिनरल्स। प्रीवियस क्लास में हमने विटामिंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली हम बात करें विटामिंस के, तो इसे दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक है फैट सोल्यूबल। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं और फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं। अगर हम फिर से आपको रिमेंबर करने के लिए फिर से बता देती हूँ मैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो फैट सोल्यूबल होते हैं आपका ADEK, ओके स्टूडेंट्स, ADEK आपके होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और अगर आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं आपके बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, अलग अलग नेम से इन सबको जानते हैं, मैं वो ये भी आप सबको बताऊंगी। तो बी और सी आपका आता है फैट सोल्यूबल। ये फैट सोल्यूबल है स्टूडेंट्स, इसलिए आपने को इसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की ज़रूरत, ज़्यादा मतलब कि जितनी अपने को रिक्वायरमेंट है उतनी डेली अपने को इनटेक करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम यूरिन के थ्रू हमारा जो ये, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू ये सारा हमारा रिलीज हो जाता है, इसलिए डेली जितनी हमारे को ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो डोज दी हुई है उसके रिकमेंडेड डोज जो है वो हमारे को डेली इनटेक करनी चाहिए, किसकी, बी कॉम्प्लेक्स की और सी की, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है तो ये यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है, इसलिए डेली का डेली इनटेक करना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन ए और विटामिन बी वन के बारे में पढ़ा था। विटामिन बी वन को थायमिन भी कहते हैं। विटामिन बी टू के बारे में आज पढ़ेंगे हम। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं स्टूडेंट्स। राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन इज एक येलो टू ऑरेंज येलो, कौन से कलर में होता है, बी टू राइबोफ्लेविन येलो टू ऑरेंज येलो कलर होता है, क्रिस्टलिन पाउडर ऑफ फेंट ऑर्डर, ठीक है, और वाटर टेस्ट होता है। इट्स सोल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी स्लाइट एंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये धीरे धीरे है वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, दो ही विटामिन ऐसे हैं जो धीरे धीरे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। थायमिन डायरेक्ट सोल्यूबल है लेकिन ये धीरे धीरे सोल्यूबल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बी टू जो है आपका राइबोफ्लेविन, उसके सोर्सेज क्या है, ठीक है, वैसे मेजर सोर्सेज इसके वेजिटेबल और एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम और एनिमल्स हैं। तो और ये भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो दी आर डिजाइंड टू रेगुलेट रिडॉक्स प्रोसेसेस। राइबोफ्लेविन दस कैटलाइजेस द रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, इन सारी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, किनको, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, ये सारी चीज़ों को हमारी बॉडी में, और न्यूक्लिक एसिड को, इन सब की रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, तो विटामिन बी टू यानी कि राइबोफ्लेविन हमारे को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो हमारे को ये प्राप्त हो सकता है, एक तो एक सारे प्लांट और एनिमल्स तो है ही, लेकिन उनमें भी बेसिकली कौन कौन से हैं, तो ईस्ट हैं और वीट हैं, गेहूँ हैं आपका, वीट ब्रेड हैं, ठीक है, राई ब्रेड हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स, नट्स हैं, स्पिंच हैं, केबेज हैं, मिल्क हैं, ये सारे मिल्क आपके ये एनिमल में आ गया, एग योक हैं, फिश मीट, राइस ब्रेन हैं, ये राइस ब्रेन और पॉलिश्ड राइस, ये दोनों विटामिन B1 यानी कि थायमिन, B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, इन दोनों के रिचेस्ट सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं, इनके द्वारा हम B2 की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैंने काफ़ी डिटेल में इसमें नोट्स में दिया है, आपको PDF भेज दिया है मैंने अपने ग्रुप में, थर्ड ईयर के ग्रुप में, और आप अपनी जो कॉलेज की साइट है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे दिए हैं, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में आप नोट्स बना सकते हैं। देन थर्ड है स्टूडेंट, निकोटिनिक एसिड या नियासिन। नियासिन को और किस नाम से जानते हैं, निकोटिनिक एसिड या फिर B3 के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, B3 भी कहते हैं, ठीक है, और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं नियासिन को। ठीक है, नियासिन की कमी से क्या हो जाता है, नियासिन की कमी से हो जाता है पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा मतलब
बाल गंजापन, गंजापन हो जाता है, बाल जड़ जाते हैं सारे, वो किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, तो नियासिन की कमी नहीं होने देनी है। ठीक है, निकोटिनिक एसिड अकर्स एज वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टल्स। ठीक है, वाइट क्रिस्टल्स में होता है ये, और एसिडिक टेस्ट होता है इसका। कैसा टेस्ट होता है? एसिडिक टेस्ट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सारे वही आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन सब के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ज़रूरी है। निकोटिनिक एसिड इज सक्सेसफुली यूज इन द थेरेपी ऑफ ए नंबर ऑफ वस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये थेरेपी का काम करना करता है वस्कुलर डिजीज में, वस्कुलर स्पाम्स, एंजिना, पेक्टोरिस और आर्थराइटिस, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। ठीक है, देन बात करें कि और ये अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे इन सब के जो ऑप्शन के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, देन बात करें कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो वही एनिमल किंगडम और आपके वेजिटेबल और एनिमल से ये प्राप्त कर सकते हैं हम। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपका नियासिन के बाद हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं बी सिक्स। ठीक है, वाइटामिन B6, पायरीडोक्सिन। पायरीडोक्सिन कहते हैं वाइटामिन B6 को। ठीक है, और B5 को क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं। पेंटाथेनिक एसिड किसको कहते हैं? B5 को कहते हैं। और पायरीडोक्सिन किसको कहते हैं? तो पायरीडोक्सिन कहते हैं B6 को। ठीक है, ये वाइट क्रिस्टल में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। द ड्राई सब्सटेंस इज सफिशेंटली स्टेबल इन एयर। ठीक है, ड्राई रूप में होता है तब। पायरीडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर। ये इजीली वाटर में सोल्यूबल है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, इसके भी क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, तो ये भी क्या करता है, एंजाइम्स ऑफ एसेंशियल इम्पोर्टेंस इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मेजर इम्पोर्टेंट है इसका, किसका? विटामिन B6 का, पायरीडोक्सिन का। पायरीडोक्सिन का किस में मेजर इम्पोर्टेंट है? तो विटामिन B6 का किस में इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो लार्जेस्ट सोर्स की बात करें हम तो एनिमल किंगडम है इसका। कौन है? एनिमल किंगडम है। ठीक है, एनिमल B6 कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो मोलासिस, ठीक है, ब्रेवर्स, एस्ट, एग योक और सेवरल एनिमल्स ऑर्गन सच एज लीवर एंड किडनीज। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अपने अपने को पायरीडोक्सिन यानी कि विटामिन B6 प्राप्त हो सकता है। B5 को क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना पायरीडोक्सिन और पेंटाथेनिक। पेंटाथेनिक यानी कि पेंटा यानी कि 5, ठीक है, B5, और पायरीडोक्सिन यानी कि B6। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करेंगे हम B12 बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसकी कमी लगभग सारी महिलाओं में देखी जाती है और जेंट्स में भी होती हैं, लेकिन महिलाओं में लगभग मोस्टली महिलाओं में इसकी कमी देखी जाती है। इससे जो आपका सीवियर जो एनीमिया होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन B12 के कारण होता है। सीवियर एनीमिया जो होता है वो आपका B12 की कमी से हो जाता है। इसको कोबालोमिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है। ठीक है, किसका कंटेंट होता है? कोबाल्ट कंटेंट होता है, इसलिए इसको कोबालोमिन कहते हैं। हाईएस्ट मात्रा में इसमें कोबाल्ट होता है। अगर इसके रिचेस्ट सोर्स की बात करें स्टूडेंट, तो विटामिन B12 वैसे जो भी आपका एनिमल किंगडम है उनसे ज़्यादा प्राप्त होता है, जैसे कि आपका एग है, फिश लीवर ऑयल है, इन सबसे ज़्यादा, और बाकी आपका जो वॉलनट है उसमें भी उसमें रिचेस्ट मात्रा में आपका विटामिन B12 आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी एग है, वॉलनट है, एग है और फिश है, आपके फिश लीवर ऑयल वगैरह। ठीक है, तो वो सारे आपके रिचेस्ट सोर्स हैं। क्या इम्पोर्टेंस हैं? तो ये पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस जो एनीमिया है, जब आपका सीवियर एनीमिया हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स के, पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू किसके कारण होता है पर्नीशियस एनीमिया, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आपके अभी भी थर्ड ईयर के जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर होगा, सेमेस्टर पेपर, उसमें भी पूछ सकते हैं, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा जाता है ये कि पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू किसके कारण, किसकी कमी से होता है। तो ये किसकी कमी से होता है? पर्नीशियस एनीमिया B12
B12 कोबालोमिन की कमी से होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि B12 को और अदर नाम से किस नाम से जानते हैं, तो कोबालोमिन, और क्यों जानते हैं, तो इसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है इसलिए इसको कोबालोमिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस किसमें है, पर्नीशियस एनीमिया को ठीक हो, अगर इसकी कमी हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, अगर रेगुलर मात्रा सही है तो उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि वैसे वॉलनट और आपके फिश हैं, एग है, इनसे ज़्यादा हैं, और ये और भी बोल रहे हैं कि लीवर किडनी किसका, एनिमल्स के, ठीक है, हार्ट, ब्रेन, स्प्लीन, ये सारी चीज़ें, मसल्स, ये सारी चीज़ों में से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नेचर में बहुत ही रेयर मात्रा में होता है। ठीक है, अपन वेजिटेबल के पे डिपेंड रहते हैं तो ये इसकी मात्रा पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, विटामिन B12 की इसलिए कमी रहती है, कमी देखी जाती है, तो हमें मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर लिखते हैं और वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है हमारे को। ठीक है, इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, बिल्कुल अंधापन जो कहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो अंधापन कहते हैं वो हो जाता है। विटामिन B7 को अपन बायोटिन भी कहते हैं, मैंने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया था कि विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं। बायोटिन फॉर्म्स लॉन्ग कलरलेस निडल्स और ए वाइट क्रिस्टल पाउडर। ठीक है, ये वाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में होता है, सोल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सोल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, डाइल्यूट एल्केलाइज, ये वाटर सोल्युबल हैं, बी और सी वाटर सोल्युबल हैं, वाटर सोल्युबल, लेकिन ये कोल्ड में धीरे होगा और अगर हॉट में डालेंगे और या फिर एल्केलाइज में डालेंगे तो ये जल्दी से सोल्युबल होगा। ठीक है, इसके कांटेक्ट में आते ही जल्दी सोल्युबल होगा। क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म जो है किसी चीज़ को पचाने वगैरह में ज़्यादा हेल्प करता है आपका बायोटीन, यानी कि B7। कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हम अपन इसको, तो लिविंग सेल्स से, ठीक है, देन एनिमल ऑर्गन से, ठीक है, ईस्ट से, ये सारी चीज़ों से अपन, और वेजिटेबल के कुछ सोर्सेज हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, राइस ब्रेन से हैं, मिल्क से हैं, ये सारी चीज़ों से हम इसको हासिल कर सकते हैं, किसको, बायोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह ये सब के आप पढ़ लेना, लगभग सबके सेम ही हैं। ठीक है, फोलिक एसिड को अपन B4 भी कहते हैं। फोलिक एसिड अकर्स एज ए येलो और ऑरेंज येलो। ठीक है, इस येलो और ऑरेंज येलो कलर में होता है। वाटर कंटेंट ऑफ फोलिक एसिड इज अप टू 8.5%। फोलिक एसिड इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। एक तो अपन ने पहले पढ़ा था विटामिन B3 और एक होता है फोलिक एसिड, यानी कि नियासिन और जो आपके फोलिक एसिड हैं ये वाटर में यानी पानी में धीरे धीरे सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, बाकी सब डायरेक्ट सोल्यूबल हैं, लेकिन ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है फिर ये सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये कम मात्रा में, हल्की से कम मात्रा में रिलीज होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्वॉल्व इन ए नंबर ऑफ वाइटल मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में उपयोग है इसका। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसको, तो एनिमल, वेजिटेबल किंगडम, ठीक है, एनिमल्स में भी होता है और वेजिटेबल्स में भी होता है, आपकी कैबेज वगैरह ये सारी चीज़ों में। ठीक है, रिचर सोर्स आर लीवर, डार्क ग्रीन लिफी वेजिटेबल, डार्क ग्रीन लिफी वेजिटेबल कौन कौन सी है आपके, बथुआ है, मेथी है, पालक है, बीन्स, जो भी फलीदार जो सब्जी है वो सारी, ठीक है, वीट, जर्म, इन सारी चीज़ों में होता है, ईस्ट में, ये सारी चीज़ों में भी विटामिन B7 यानी कि बायोटीन अपन प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी बायोटीन नहीं, हम विटामिन B4 की बात कर रहे हैं। ओके, फोलिक एसिड की बात कर रहे थे हम अपन, अब बात करेंगे पेंटाथेनिक एसिड B5 पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं B5 को, इसको कैल्शियम पेंटाथेनिक भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज का आपका क्लास का टाइम हो चुका है, इतना ही पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन पेंटाथेनिक एसिड क्या होता है और कोबालोमिन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।